हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे बेहद खास मेहमान, जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। लगातार हमारे दर्शकों की भी डिमांड आ रही थी और समय आ गया है कि हम हमारे दर्शकों को उनको अगले माह के लिए राशि अनुसार उपाय बताएं, तो शुरुआत करना चाहेंगे मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातक अगस्त माह के लिए क्या उपाय अपना सकते हैं? जी आइए दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि की। हर महीने निरंतर हम आपको आपकी राशि के उपाय बताते आ रहे हैं और ये उपाय लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं। बहुत लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। जब आप हमसे मिलने आते हैं, आप हमें बताते हैं कि हमने ये उपाय किए पिछले महीने के, हमें लाभ मिला, वो बात अलग है। देखो, किसी को लाभ नहीं भी मिलता, लेकिन हमारे इस चैनल का ख़ास मकसद आपको लाभ देना है। मेष राशि से लेकर के मीन राशियाँ, टोटल 12 राशि होती हैं और संसार में करोड़ों लोग रहते हैं। एक राशि के भी करोड़ों लोग होते हैं, क्योंकि अलग अलग नाम सबके होते हैं और हर राशि के हिस्से में करोड़ों लोग आते हैं। हम हर महीने यही प्रयास करते हैं कि आपकी राशि क्या कहती है ये ना बताएं, ये बताएं कि आपको अपनी राशि के उपाय क्या करने हैं। जुलाई महीने के उपाय आपको बता दिए गए थे, अब हम बात करते हैं अगस्त महीने में मेष राशि वाले जातक क्या ऐसा विशेष करें जिससे उनका जीवन अच्छा रहे। 2-4-6 महीने आप ये उपाय कर लीजिए कंटिन्यूअसली, इससे आपको धीरे धीरे बल मिलेगा, लाभ मिलेगा। और कई बार ऐसा भी होता है, देखो, कुछ लाभ कम मिले, मन मत मारिए, मन महसूसिएगा मत, बस उपाय करिएगा आप। और इसीलिए मैं बड़े सहज साधारण से उपाय आपको बताता हूँ। और ये जो हम राशि के अकॉर्डिंग आपको उपाय हर महीने के देते हैं, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म राशि के हिसाब से, जब आप पैदा हुए उस वक्त में चंद्रमा किस राशि के ऊपर था, ये उस राशि के उपाय हम आपको हर महीने देते हैं। आप देखो, जिन जिन की मेष राशि है, आप अपनी जन्म पत्रिका से मालूम कर सकते हैं कि आपकी राशि क्या बनती है और कैसे पहचाने कि आपकी राशि क्या है, आपका लग्न क्या है। ये सारे एपिसोड हमने यूट्यूब पर डाले हुए हैं और टीवी पर भी हमने सबको बताया है। अब देखिएगा, सर्वप्रथम राशि होती है मेष। मेष राशि के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। मंगल का रंग लाल होता है, मंगल ग्रह का रंग लाल है, साइंस भी प्रूव कर चुकी है और एस्ट्रो साइंस तो पहले ही इस चीज़ को बहुत पहले बता चुकी है। मंगल किस प्रकार से आपके जीवन में मंगलता उत्पन्न करें, हालांकि मेष राशि के जातक भावुक किस्म के होते हैं, कई बार फैसला लेने में ये विलंब पैदा कर देते हैं, लेकिन इनकी एक बेबसी भी होती है, ये जल्द किसी चीज़ को मना नहीं कर पाते। इनको लगे भी कि ये चीज़ इनके साथ नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी ये कई बार उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चुनिंदा खाना, बड़े चूजी किस्म के लोग होते हैं। खैर, आपकी राशि का स्वभाव कैसा है, स्वतंत्र एपिसोड की बात है ये तो, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपनी राशि के अकॉर्डिंग अगस्त के महीने में क्या विशेष उपाय करें। देखो, अगस्त में सावन का भी अंश है और किस प्रकार से हम अपने जीवन को उन्नतशाली बनाएं। हमने बताया कि आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल, मंगल का रंग लाल, अब आपको क्या करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति पर वहाँ जाएं और लाल रंग के पुष्प, हनुमान जी को 5 फूल, 2 सप्ताह यानी कि 2 मंगलवार मेष राशि वाले जातक जरूर चढ़ाएं। अगस्त के महीने में मेष राशि के जातक हनुमान जी को लाल रंग के फूल 2 मंगलवार जरूर चढ़ाएं। मेष राशि के जातक अगस्त के महीने में
भगवान शिव की उपासना भी जरूर करें। कैसे? ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय। महिलाएं मेष राशि की नमः शिवाय मंत्र की एक माला जरूर करें मंगलवार के दिन ही। हालांकि सोमवार के दिन होता है, लेकिन आप मंगलवार के दिन जरूर करें, सोमवार करें तो और अच्छी बात है। और मेष राशि के पुरुष ओम नमः शिवाय 6 अक्षरों का मंत्र जरूर जपें। आपकी राशि के भी विशेष मंत्र होते हैं, वो हमने अलग एपिसोड में बताएं किस राशि का क्या मंत्र होता है, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब से, सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। अब एक छोटा सा उपाय आपको और करना है, तांबे का सिक्का कॉपर क्वाइन अगस्त के महीने में 4 मंगलवार मेष राशि वाले जातक अपनी पॉकेट में रखें, महिलाएं परसादी में रखें, पुरुष अपनी पॉकेट में रखें, और संभव हो उस क्वाइन को किसी लाल कपड़े में या किसी लाल कागज़ में रैप करके, उसको ढांप करके, बांध करके उसको रखना है आपको। तो मेष राशि के जातक सिर्फ इतना उपाय अगस्त के महीने में करें। और दूसरी बात, मेष राशि के जातकों के घर में यदि मंगल वीसा यंत्र हो तो अति उत्तम, यदि यंत्र नहीं भी है तो मेष राशि के जातक मंगलवार की प्रातःकाल छोटा सा एक बीज मंत्र, बहुत छोटा सा बीज मंत्र, ओम भौम भौमाय नमः, बस ओम भौम भौमाय नमः, इस मंत्र की एक माला या 21 31 51 बार इस मंत्र को मेष जाति के, मेष राशि के जो जातक हैं वो जरूर पढ़ें। 2 मंगलवार कर लें, 3 मंगलवार कर लें, अधिक फिर 4 मंगलवार कर लें, आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो आज मैंने मेष राशि के लिए बहुत छोटे छोटे से 2-3 उपाय बताए, लेकिन जो मैंने क्वाइन वाला उपाय बताया कि कॉपर का क्वाइन लाल कपड़े में लपेट करके, बांध करके, या लाल रंग के कागज़ में उसको रैप करके आपको मंगलवार के दिन अपनी जेब में जरूर रखना है मेष राशि के जातक को। पिछले महीने मैंने आपको बोला था कि रुमाल अपनी जेब में लाल रंग का रखें, लेकिन इस महीने ये कॉपर का क्वाइन अपनी जेब में जरूर रखें। भगवान शिव की साधना, मंगल का बीज मंत्र, मंगल वीसा यंत्र घर में हो तो उसको धूप दीप मंगलवार के दिन करना मेष राशि के लिए अगस्त के महीने में बहुत बहुत अच्छा रहेगा। और हमारा तो यही प्रयास रहता है, हम हर महीने आपकी राशि के उपाय आपको बताते जाएंगे, कुछ ना कुछ नया आप करते जाइए, 100% आपको इन उपायों से विशेष प्रकार का लाभ मिलेगा। पिछले महीने के भी हो सकते हैं कुछ उपाय अगले महीने में भी हमें टैली हो जाते हैं, करने पड़ जाते हैं, लेकिन कॉपर की क्वाइन वाला उपाय अगस्त के महीने में आप लोग ज़रूर करिएगा। आपकी राशि ताकत की सूचक है, मेष राशि है, मेढ़ा जिसका स्वामी है, और कहीं ना कहीं ये राशि जब तक नरम है, इस राशि के जातक तब तक नरम रहते हैं, लेकिन अगर एक बार गर्मी आ जाए तो वो गर्मी फिर बड़ी खतरनाक, मतलब वो क्रोध आ जाए तो वो एक कई बार विशाल रूप ले लेता, इसलिए मेष राशि के जातक अक्सर कूल माइंड ही रहें तो ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहता। आपकी राशि बहुत सौम्य राशि है, शुभ राशि है, और 12 राशियों में प्रथम राशि आपकी है, आपकी राशि के स्वामी मंगल है। जब आप पैदा हुए थे चंद्रमा उस दिन मेष राशि में विचरण कर रहे थे, इसलिए आपकी राशि मेष हुई। ठीक, उम्मीद करता हूँ आज के ये छोटे छोटे उपाय मेष राशि के जातकों के लिए जरूर उनको लाभ देंगे। जी, तो मेष राशि के जातक, अगर आप चाहते हैं कि अगस्त माह आपके लिए बेहतरीन तरीके से व्यतीत हो, अगस्त का महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, तो जो उपाय शर्मा जी ने आपको बताए हैं इन उपायों को जरूर अपना लीजिएगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसी तरह से और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप संस्थान में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या वो लोग जो कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे किसी न किसी रीजन से, तो ऐसे में वो कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा 10:00 से लेकर 6:00 के बीच में। चलने की दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे,
मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।